तो आप इतना बढ़िया भाषण करती है जी सर, तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब जी सर, तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। कई बार बड़ी खबरों के बीच कुछ महत्वपूर्ण खबरें दब जाती हैं। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देश के एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक महिला चंदा देवी के बीच हुई ऐसी बातचीत सुनवाएंगे जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इस महिला के कॉन्फिडेंस ने पीएम मोदी को भी हैरान कर दिया। पीएम मोदी ने महिला से पूछ ही लिया कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं योगी जी से बात करता हूं कि आप जैसे लोगों को बुलाएं। और उसके बाद पीएम मोदी ने अचानक शादी में खड़े होकर खाना खाने वाले करोड़ों लोगों के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे आप चाहकर भी नकार नहीं सकते। आप भी शायद शादी में जाकर यही करते हैं जो पीएम मोदी ने बताया है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए आपको पीएम मोदी और चंदा देवी के बीच हुई बातचीत सुनवाते हैं। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं जी सर, तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर। ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर, आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं, इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की। अरे ये सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास हाँ। करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब जी सर, तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं जी सर, और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता जी है सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों में जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी सर, तो आप जैसे लोगों को बुलाएं और वो परोसना का काम संभालें जी सर।